गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एज अ टैक्स पेयर्स आप सबके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो अब इनकम टैक्स पोर्टल पे दे दी गई है। आपको सर्विसेज टैब के अंदर चालान करेक्शन ऑनलाइन, जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और उसमें चालान का पेमेंट करते हैं तो कई बार आपसे गलती हो जाती है। आप असेसमेंट ईयर डालना चाहते हैं, कुछ चला जाता है कुछ। आप मेजर हेड सिलेक्ट करते हैं, कुछ चला जाता है कुछ। टाइप ऑफ पेमेंट डालते हैं, कुछ चला जाता है कुछ। तो यहां पर अब इन तीन समस्याओं के लिए आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस पोर्टल पे आ गया है। आपको लॉग इन करना है, सर्विसेज टैब में जाना है और चालान करेक्शन का स्टेप, जो ये 4-step प्रोसेस है, उसे फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर चालान करेक्शन, यानी कि कौन सी कैटेगरी की आपकी गलती है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना चालान आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो आपके सिन नंबर के बेसिस पे हो या फिर आपका असेसमेंट नंबर असेसमेंट ईयर के बेसिस पे हो। उसके बाद आप डिटेल करेंगे करेक्शन और सबमिट करेंगे। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई गई हैं। सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स फॉर करेक्शन इन चालान, इसमें बताया गया है कि चालान परटेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड्स इज अवेलेबल फॉर करेक्शन करेंटली थ्रू दिस पोर्टल। काइंडली अप्रोच ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर फॉर चालान करेक्शन परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर्स, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड्स तो आप ये ऑनलाइन करेक्शन कर पाएंगे। उसके पहले की अगर आपकी कोई गलती है तो उसके लिए आपको अपने असेसिंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना होगा करेंटली, जब तक ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आता। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप असेसमेंट ईयर चेंज कर सकते हैं, आप मेजर हेड चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ माइनर हेड जो है वो भी यहां पर चेंज करने का ऑप्शन रहेगा। इन्होंने बता रखा है कि क्या आपका मेजर हेड माइनर हेड वगैरह में जो गलती होती है वो किस तरीके से होती है। चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर द माइनर हेड्स, यानी कि एडवांस टैक्स उसका जो चालान है वो करेक्शन होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स अभी भरेंगे उसको भरते समय गलती हो जाती है तो आप कर सकेंगे। और माइनर हेड नंबर 400 जो कि डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स आपका करते हैं उसका भी करेक्शन आप कर पाएंगे। एंड फॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर हेड्स, यानी कि आप इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल में सिलेक्शन गलती करते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स के केसेस में। प्लीज सबमिट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट टू योर JAO ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर फॉर माइनर हेड्स अदर देन 100, 300, 400। इन तीन माइनर हेड्स के अलावे अगर और किसी में कोई गलती है तो ऑनलाइन नहीं होगा ये मैकेनिज्म, आपको फिर अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। ये हो गया पहला स्टेप जिसमें आपको यहां पर एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट कर लेना है कहां गलती आपसे हुई। अब आपने जब चेंज इन असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहां पर असेसमेंट ईयर या फिर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर वो डालना होगा, कौन से वाले चालान का, उसी चालान का जिसमें आपसे गलती हो गई है। यहां आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद या तो आप चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डाल सकते हैं या सीधा असेसमेंट ईयर के बेसिस पे ही आप अपना करेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने यहां पर डाला है कि असेसमेंट ईयर 23-24 जो रिटर्न अभी भर रहे हैं उसमें कोई गलती हो गई है, तो उसको आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके सामने अगर आपने कोई चालान भरा है और वो अभी कंज्यूम नहीं हुआ, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है, तो वहां पर जो आपके सामने विंडो आएगी वहां अनकंज्यूम्ड चालान आ जाएगा। अगर ऐसा कोई चालान नहीं है तो आपके सामने ये मैसेज दिखेगा जिसमें बताया जाएगा नो अनकंज्यूम्ड चालान एग्जिस्ट फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर, यानी कि फिलहाल इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए कोई भी ऐसी गलत चालान पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। प्लीज सबमिट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट टू योर ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। इसीलिए पोर्टल ये कह रहा है कि भैया अगर आपसे कोई और गलती हो गई है जो कि पोर्टल पे अलाउड नहीं है, इसके लिए आप चले जाओ असेसिंग ऑफिसर के पास।
टू नो योर ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, उन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आप ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का अपना रेंज सर्कल वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई मैटर है जिसमें आपकी वाकई में कोई चलान गलती हो गई है और इन तीन पैरामीटर्स में, तो आपके सामने यहां पर लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप डिटेल्स करेक्शन के लिए अपडेट कर सकेंगे और उसके बाद करेक्शन रिक्वेस्ट जो है उसे वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे और आपका ये करेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर अब इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आप सबके लिए, हम सबके लिए आ गया है अगर हमारे चालान में कोई गलती हो गई है। ऐसा ही कुछ अगर वो पैन नंबर या टेन नंबर के करेक्शन में कर दे तो भी बहुत ज्यादा रिलीफ जो है वो मिल सकती है, क्योंकि कई बार पैन नंबर डालने में भी गलती जो है वो हो जाती है। यहां पर तीन पैरामीटर्स अभी प्रेजेंटली दे दिए गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है आपको अदर पैरामीटर्स का करेक्शन भी मिल जाए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो आप हमारा YouTube चैनल GST प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस करके, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ये बात हो गई हमारे इनकम टैक्स के अंदर। अब आइए थोड़ा सा GST के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, GST के अंदर हमारा फुल एडवांस्ड कोर्स 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस के साथ आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आप आज ही GST प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे जैसे ही आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप GST का फुल कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ जब आप देखेंगे तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसका कंटेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें हम लोगों ने आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो हमने क्लासेस में आपको बताई है, GST का एक्ट, IGST का एक्ट, उससे संबंधित रूल्स जो हमने बताए हैं वो सारी चीजें इसमें कवर करी गई हैं। एक्ट और रूल्स का इंटरलिंकिंग किस तरीके से किया गया है वो आपको बताया गया है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ GST एंड सप्लाई, यहां से आपको मिलेंगी वीडियो क्लासेस, लगभग 150 घंटे की वीडियो क्लासेस आपको दी जाएंगी जो आप 1 साल तक सुन पाएंगे, देख पाएंगे विदाउट एनी लिमिट। अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिवोकेशन हो उसके संबंधित आपका कोई भी कंफ्यूजन रहता है, वैल्यूएशन इन GST किस तरीके से होगा, प्योर एजेंट का किस तरीके से आपको वैल्यूएशन करना है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, कब निकलता है, रियल एस्टेट के केस में किस तरीके से आपको GST का ट्रीटमेंट करना है, टैक्स की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, TDS की पेमेंट, TCS की पेमेंट, सारे प्रोविजंस आपको यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं डिटेल्स के साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 4 पार्ट में आपको ये पूरा चैप्टर कवर अप करके दिया गया है जिसमें 4 वीडियोस आपको मिलेंगे। रिटर्न्स की अगर आप बात करें तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ ईच एंड एवरी रिटर्न आपको बताई गई है। कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें उसकी डिटेल्ड कवरेज आपको यहां पर मिल जाएगी। इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग, क्रेडिट डेबिट नोट्स के क्या प्रोविजन है वो सारी चीजें हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड प्रोविजंस, जॉब वर्क का प्रोसीजर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केसेस में आपको कैसे काम करना है वो सारी बातें, यानी कि कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ई वे बिल के क्या प्रोविजन है, कब ई वे बिल निकलता है, कब नहीं निकलता है, कब एग्जम्पशंस हैं, सारी बातें, स्क्रूटनी असेसमेंट, सर्विसेज ऑफ नोटिस, ये सारी बातें जो आपको आज समय समय पर फेस करनी होती है, स्क्रूटनी असेसमेंट उससे रिलेटेड प्रोविजन, ऑडिट डिमांड एंड रिकवरी का क्या प्रोविजन है, अपील फाइलिंग अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल अप्रोच की किस तरीके से आप अपील में फाइल करेंगे, पेनल्टीज क्या लगती हैं, रिफंड विद लाइव फाइलिंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बाद GST रिटर्न फाइलिंग के प्रैक्टिकल सेशन। तो इतना सारा कंटेंट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दिया गया है, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। Thank you and have a nice day.